नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। दिल्ली में एनसीडी चुनाव से पहले कूड़े पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर दौरे से पहले भाजपा और आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे के कुछ देर बाद केजरीवाल गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ देखने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ दिए, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। इस बार एमसीडी चुनाव कूड़े के मुद्दे पर होगा। सीएम ने चुनौती दी कि भाजपा बताए कि एमसीडी में पिछले 15 साल में क्या काम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर केजरीवाल गो बैक के नारे लगाए। पहले भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल गाजीपुर कूड़े पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने दिल्ली में क्या काम किया ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोग ही बता देंगे। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे गालियां दी, मुझ पर दिल्ली एमसीडी को फंड न देने का आरोप लगाया। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में एमसीडी को कितना फंड दिया है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कहकर अपनी जिम्मेदारी से वो दूर भागते हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि मेरे खिलाफ सारी असुर शक्तियां एक हो गई हैं। भाजपा डरी हुई है। एमसीडी चुनाव होने वाले थे लेकिन टाल दिए गए। परिसीमन में गड़बड़ी करके सोच रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी। इस बार भाजपा वाले भी वोट नहीं देंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चों को मैं ही पढ़ाऊंगा, अस्पताल हम ही बनाएंगे। एक दिन आएगा जब भाजपा वाले आम आदमी पार्टी में आएंगे। एक दिन आएगा जब भाजपा नेता भी कहेंगे कि बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं, आप अच्छी पार्टी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर गाजीपुर जाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इनके बीजेपी एक नेता से मैंने पूछा कि 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। शर्माते हुए उसने दो काम बताए, 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए और पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। कल सुबह यानी गुरुवार को इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा। और साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने ये भी लिखा कि आप भी आइएगा। इसी के तहत आज वो कूड़े के पहाड़ भी देखने गए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।